नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द भाट टॉक्स पे। बात करें ज्ञान वापी की, जहां पे अब यहाँ पे शिवलिंग निकलने का यहाँ पे दावा किया जा रहा है। उस तरफ यहाँ पे नंदी जो है वो भी अपना मुंह करके यहाँ पे बैठे हुए विराजमान है, तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि वहां पे वो शिवलिंग है। इसकी भी जांच चल रही है, सारी चीजें वो हमारे सामने जल्दी आ जाएगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है कि किस तरह से ज्ञान वापी की आड़ में यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी हिंदुओं को, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को यहाँ पे निशाना बना रहे हैं, लगातार उसकी यहाँ पे किसी तरह से यहाँ पे उसके लिए उल्टा सीधा कह रहे हैं और नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा यहाँ पे मामला सामने आया जिसके अंदर यहाँ पे समाजवादी पार्टी का नेता वो यहाँ पे हमारे जो आराध्य है यहाँ पे शिव भगवान, उनके लिए उल्टा सीधा बोलता जा रहा है और उसको पकड़ भी लिया गया है। सारे बात मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। अब ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं आखिर किस तरह से यहाँ पे हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाया जा रहा है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के नेता मोहसिन अंसारी ने लीची के कटे हुए फल की तस्वीर शेयर करते हुए उसके बीज की तुलना शिवलिंग से की है। ये देखिए मोहम्मद अंसारी, ये मोहसिन अंसारी है, लीची के अंदर क्या है इसकी जांच होनी चाहिए। ये देखिए, इसकी तुलना ये यहाँ पे शिवलिंग से कर रहा है, उसके बाद में उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। ये देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता मोहसिन अंसारी के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने FIR दर्ज की है और यहाँ पे देखिए धार्मिक कमेंट यहाँ पे उसने की है, फेसबुक के जरिए यहाँ पे उसने विवादी पोस्ट की है और यहाँ पे इस पर पुलिस अधिकारी के मुताबिक यहाँ पे आरोपित सपा नेता के खिलाफ इंडियन पीनल कोड की धारा 153A और IT एक्ट 2000 की धारा 67 के तहत यहाँ पे केस दर्ज कर लिया है, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसमें यहाँ पे दोषी पाए जाने पर 3 साल की कैद और जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। पर अब हिंदू धर्म का अपमान करो, 3 साल या तो जेल में रहो या जुर्माना दो, या फिर यहाँ पे जैसे जुर्माना दोगे तो आपकी छुट्टी हो जाएगी, आप जा सकते हो। अगर कोई यहाँ पे और किसी मजहब के लिए उल्टा सीधा बोल दे तो उसके जिंदगी देकर, अपनी जिंदगी से जान गंवाकर, और यहाँ पे या फिर बेअदबी का मामला हो तो यहाँ पे उसको जिंदगी से अपनी जान गंवाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हिंदू धर्म का अपमान करो और यहाँ पे जुर्माना दो या 3 साल की जेल और यहाँ पे चले जाओ। ये है मोहम्मद अंसारी। ये देखिए इसने किस तरह से यहाँ पे बोला है और लगातार यहाँ पे ऐसा बोलते जाता है। अभी कुछ दिन पहले ये देखिए, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर स्थित, ये देखिए पाउंटा में अरमान मलिक नाम के मुस्लिम युवक ने ऐसा ही किया था। उसने अपने टॉयलेट सीट की तुलना शिवलिंग से की थी, उसके साथ नसीम राजा ने भी इसे शेयर किया। जब पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया तो सैकड़ों की संख्या में कट्टरपंथी इस्लामियों ने थाने पर हमला कर दिया और पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया। ये देखिए हिमाचल प्रदेश की घटना है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा किस तरह से एक तो यहाँ पे हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है, ऊपर से जब पुलिस कार्रवाई करती है तो यहाँ पे उस पर हमला भी कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे कोर्ट है उनको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता है, वो चुप्पी साध कर बैठ रहते हैं और यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे लगातार हिंदू देवी देवता का अपमान यहाँ पे होता है। और इस बार भी मोहसिन अंसारी को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आप सोचिए कि किस तरह से यहाँ पे इसकी आड़ में यहाँ पे लगातार हिंदू धर्म का ही अपमान किया जा रहा है। तो देखा आपने ज्ञान वापी के आड़ में किस तरह से यहाँ पे उल्टा हिंदू धर्म को यहाँ पे निशाना बनाया जा रहा है और यहाँ पे लगातार ऐसा होता है कि हिंदुओं के लिए, हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, देवी देवताओं के लिए अभद्र टिप्पणी की जाती है, उल्टा सीधा बोला जाता है और उनका बचाव करने के लिए यहाँ पे कट्टरपंथी है वो उतर के आ जाते हैं और अदालत है वो चुपचाप यहाँ पे चुप्पी साध कर देखती रहती है। खैर, आपका क्या कहना है इसके बारे में, आप नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, सभी तक पहुंचाए। और यहाँ पे जिस इसकी गिरफ्तारी हुई, क्या आप उसकी बात से सहमत है? ऐसे लोगों के गिरफ्तार होने के अलावा इनको कठोर सजा भी मिलनी चाहिए, क्या आप इस बात से सहमत है? नीचे आप कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, घंटी के निशान को दबा दे ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।